अस्सलाम वालेकुम फ्यूचर प्रोग्रामर्स, वेलकम टू ओवर न्यू सीरीज़। अभी इस सीरीज़ का मैंने नाम नहीं सोचा है, क्या रखूँ आप लोग कमेंट में बताना है। वैसे एक्सेप्शनल अडॉप्ट ट्यूटोरियल इन फ्यू मिनट्स, बहुत ही घटिया नाम। एनी हाउ, आज की वीडियो में हम समझेंगे कि दो मेथड से हम लोग काफ़ी मेथड है पिक्चर को ब्लेंड करने के, लेकिन जो है ना वो हम देखेंगे कि आसान से आसान मेथड कौन सा है जिसके ज़रिए हम क्विकली पिक्चर को ब्लेंड कर सकते हैं। ठीक है, अब जिन लोगों को नहीं पता कि ब्लेंड क्या 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 होता है पिक्चर को करना, तो यहाँ पर एम ए जा रही होगी, वहाँ से आप लोग आइडिया एक ले सकते हो। ठीक है, तो हम देखते हैं, मैंने अडोब ऑन किया हुआ है। ठीक है, क्रिएट ए न्यू के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कितने रखूँगा, 1280x720 मैं रखूँगा, और उसके बाद ट्रांसपेरेंट, और यहाँ से मैं रख देता हूँ इसका नाम। मेरा कीबोर्ड हिल गया, यहाँ से मैं इसका नाम रख देता हूँ YouTube। ठीक है, और मैं अपने कीबोर्ड को ज़रा सी इसकी लाइटें वाइटें चेंज कर लेता हूँ। अब सही है, अब बेहतरीन है। YouTube करके मैंने एक रख लिया है, और लिख वन, यार टोटल रैंडम नेम है, मुझे नहीं पता मैंने क्या रखना था। अच्छा, ये देखो मेरे पास एक ऐसा ट्रांसपेरेंट सा जो है ना वो ऑन हो गया है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, फाइल में जाऊँगा, प्लेस एम्बेडेड में जाऊँगा, और यहाँ पर मैं एक स्काई की पिक्चर को प्लेस कर दूँगा। ठीक है, अपने कीबोर्ड से मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा ताकि बिल्कुल ये एग्जैक्ट फिट आए। शिफ्ट में प्रेस करके रखूँगा, और उसके बाद मैं टिक मार्क के ऊपर क्लिक कर दूँगा। अगेन मैं क्या करूँगा, फाइल पर जाऊँगा, प्लेस एम्बेडेड में जाऊँगा, दूसरी पिक्चर को सिलेक्ट करूँगा कि जो मुझे चाहिए, नेचर वाली पिक्चर को मैं सिलेक्ट करूँगा, प्लेस के ऊपर क्लिक करूँगा। ठीक है, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, शिफ्ट में प्रेस करके ही रखूँगा अपने कीबोर्ड से, और इसको यहाँ से जोड़ूँगा, और इसको यहाँ पर, ये बेहतरीन हो गया काम भाई, बेहतरीन हो गया। अब ये देखो, ये मैंने कर दी है। मैं क्या करूँगा, ऐड टू लेयर मास्क के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। ठीक है, ये करने के बाद एक मेरा लेयर मास्क को ये बना देगा। अब मैं अपने कीबोर्ड से जी को प्रेस करूँगा, ग्रेडियंट वाला ऑप्शन ऑन हो जाएगा मेरे पास। माउस से मैं शिफ्ट को प्रेस करके रखूँगा, और उसके बाद जहाँ से जैसे मुझे ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला सारा जो पार्ट है ये मुझे चाहिए, वो हुआ हुआ क्या कहते हैं, फेदर हुआ हुआ, तो मैं यहाँ से शिफ्ट को मैं प्रेस करके रखूँगा, राइट लेफ़्ट क्लिक को मैं दबाऊंगा जहाँ तक मुझे चाहिए, यहाँ तक मुझे लेट्स पोज चाहिए, एंड बूम हो गया। ये देखो फेदर हो गया, पिक्चर जो है वो हमारी जो है ना ये फेदर हुई हुई आई है। ठीक है, यहाँ से वैसे मैं अगर मैंने इस पिक्चर को लेट्स पोज मैंने उठा के यहाँ पर करना है, तो मैं क्या करूँगा, शिफ्ट में प्रेस नहीं करूँगा, माउस से लेफ़्ट क्लिक में दबाऊँगा, और इसको मैं यहाँ पर ले जाऊँगा, तो ये वाली पिक्चर यहाँ पर आ जाएगी। ये तो है हमारे पास मेथड वन, जिसके ज़रिए हम कर सकते हैं। और भी मेथड है, अगर मैं इसको बढ़ाना चाहता हूँ, अगैन मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा, तो यहाँ पर ये सॉरी यहाँ पर मैं ऐसा करूँगा, इधर जाऊंगा और यहाँ पर मैं ये वाला जो है वो सिलेक्ट कर लूँगा, इसको मैं अब बढ़ाऊँगा, तो यहाँ पर से ये, और मैं चाहता हूँ तो ये और ज़्यादा हो जाएगा। अगर मुझे अगर मैंने नहीं करना है तो मैं ये वाला इफ़ेक्ट जो है वो सिलेक्ट कर लूँगा, और यहाँ पर ये चेंज हो जाएगी। इस तरह से जो है वो हम पिक्चर जो है वो फेदर दे सकते हैं, इफेक्ट दे सकते हैं ब्लेंडिंग वाला। ठीक है, और मज़ीद मैं कंट्रोल जेड कर दूँगा, क्योंकि दिस लुक्स गुड, यहाँ तक ठीक है, मैंने थंबनेल भी तो बनाना है फिर, समझा करो। और मज़ीद अभी मेथड वन देखा हमने, मेथड टू अगली वीडियो में देखेंगे। तो अब के लिए इतना ही, चैनल पे नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दो। आई थिंक इट्स प्रीटी मच इन अ फ्यूचर प्रोग्रामर एंड इंशाल्लाह वी विल मीट अगेन। और यार जावा में नोट्स बना रहा हूँ यार, तो नोट्स बनाने में टाइम लग रहा है, इस वजह से जावा की वीडियो थोड़ी सी डिले हो रही है, थोड़ी नहीं 10 दिन से डिले हो रही है। अब इंशाल्लाह डाल दूंगा ट्यूटोरियल, आई प्रॉमिस।